हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के लिए आयुर्वेद उपचार क्या है। दोस्तों, वैसे तो तरह तरह के दर्द होते हैं, लेकिन घुटने का जो दर्द होता है वो हमारे शरीर में बहुत ही प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हमारा वॉक करना, चलना, डेली रूटीन सब पैर के ऊपर ही डिपेंड रहता है। जब घुटनों में दर्द होने लगता है तो व्यक्ति का जीवन लगता है कि बस वहीं पे समाप्त हो गया। इसलिए हम आज इस पे बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़े, आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। दोस्तों, जिनको घुटने में दर्द है उन लोगों को कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए, जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, चना, राजमा, सोयाबीन इत्यादि अपने खाने में शामिल करना चाहिए। जिनका वजन ज़्यादा है, उनके बीएमआई से ज़्यादा वेट है, उनको अपने वेट को मेंटेन करेंगे, अपने बीएमआई के अंडर वेट आएंगे तो आपको घुटने की दर्द कम हो जाएगी। इसके लिए यदि आप बलादी इत्यादि तेल का मालिश करें घुटने पे तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। बलादी तेल आता है, नारायण तेल आता है, जानू बस्ती एक प्रोसीजर होता है जिसमें मेडिकेटेड आयल लेके उस एरिया को घेर के आयल डाल के थोड़े देर तक छोड़ देते हैं, जिससे आपका दर्द कम हो जाता है। और डेली योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम इत्यादि करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ज्वाइंट है वो स्टिफनेस ना हो और उसका मूवमेंट बना रहे, जिससे आपका दर्द कम रहे। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।